चैत्र नवरात्र में, शरदीय नवरात्र में, आषाढ़ी नवरात्र में, आधिकाधिक पौष नवरात्र में हम शंकर की, हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रणी होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते। आखिर कलश में ऐसा क्या है, कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर प्रयागराज में या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता, उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल, तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है, उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए, और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है, आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था, सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती काउंटिंग अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली ये सब आपने निश्चित करी है,